साथ में इस समय राकेश मोहन बघेल जी मौजूद हैं और आप पुलिस लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जन्म जयंती के अवसर पर सुशरण प्रेक्षागृह में आपकी उपस्थिति हुई है और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जो कार्य हैं उनको किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके से विचार आपके हैं उनके लिए, क्या कुछ कहना चाहिए? प्रातः स्मरणीय पूर्ण श्लोका परम श्रद्धे राजमाता अहिल्याबाई होलकर के चरणों में नमन करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि 1725 ईस्वी में अहमदनगर के चौनी गांव में उनका जन्म हुआ था और उनका विवाह मल्हार राव के पुत्र खांडे राव के साथ हुआ और अल्प आयु में उनका विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात ही वह विधवा हो गई। वह बहुत ही न्यायप्रिय धर्मपरायण राजमाता थी। उन्होंने जो आततायी मुगल सम्राट और जो आए आतंकी, उन्होंने जो हमारे यहाँ मंदिरों को तोड़ा, तहस नहस किया, हमारी संस्कृति को खत्म किया, उसका पुनः जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने जैसे सोमनाथ का मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर, ऐसे अनेकों मंदिरों का उन्हें जीर्णोद्धार कराया। वह बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासक थी। उन्होंने अपने शासन का विस्तार भी किया। उनके शासन से, उनके विचारों से ये प्रेरणा मिलती है समाज को। आज हमारा समाज यहाँ आगरा सुशासन में बड़े जोर शोर से उनकी 299वीं जयंती मना रहा है। उनके चरित्र से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को साधारण रहते हुए अपने धर्म, अपने कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक करना चाहिए, जिससे समाज का उत्थान हो। बिल्कुल, समाज का उत्थान और लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व और कृतित्व का प्रचार प्रसार भी हो। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम, जय श्री राम।